महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदर्शन। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों के मूल्य में निरंतर वृद्धि को लेकर इस धरना प्रदर्शन को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राजश्री माली के निर्देशानुसार मोदी हटाओ और महंगाई घटाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत, जिसका संबोधन पूर्व विधायक और AICC सदस्य सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया। यह धरना प्रदर्शन इंटक जिलाध्यक्ष विमल जैन के नेतृत्व में मोदी सरकार के विरुद्ध मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल और केंद्र की कथनी और करनी के बारे में चर्चा की गई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्यों को इतिहास का सबसे ज्यादा मूल्य भी बताया। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के साथ इंटक के पदाधिकारियों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। मुख्य संरक्षक बिलाल हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में इंटक के जिला अध्यक्ष विमल जैन, बिजली विभाग इंटक के कर्मचारी, हिंदुस्तान जिंक के घनश्याम राणावत, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सावन श्रीमाली, ऑटो चालक यूनियन इंटक, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, लाफार सीमेंट, बिरला सीमेंट, CCW श्रमिक संगठन, महिला इंटक के जिला अध्यक्ष ललित रावत आदि पदाधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। इंटक हमारा मजबूत संगठन है, आपकी आवाज से बहुत अधिक अच्छे तरीके से सुना जाता है। मैं यही बात कहता हूँ, मुझे बुलाया दोनों के लिए सुने समाचार की धन्यवाद। जय हिंद मजदूर, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। जो कम कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। देशभर में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस जन लामबंद है और तरह तरह के शक्ति प्रदर्शन करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना के बाद में लगातार देशवासियों की हालत बहुत गंभीर है और हालत खराब है। क्या कहना चाहेंगे आज जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन इसी बात के लिए है कि दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे आपने पेट्रोल देख लीजिए, चाहे डीजल के भाव देख लीजिए, रसोई गैस के भाव देख लीजिए, चाहे घरेलू सामान जो भी है, तेल वगैरह, इन सबको देख लीजिए, सब पे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती हुई जा रही है और कोरोना की वजह से तो लोगों की जो कमर टूट गई है, इतनी हालत ख़राब हो गई कि आज मजदूर तो बिल्कुल ही रोड पर आ गया है, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा इस संबंध में कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज सहीवाली के आह्वान पर हमारे चित्तौड़ जिले के जितने भी इंटक के श्रमिक संगठन हैं उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है और हम बिल्कुल आपको ये एश्योर्ड करते हैं कि जब तक इस मोदी सरकार के द्वारा महंगाई को कम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा विरोध इनके खिलाफ निरंतर होता रहेगा। और मैं आपको ये और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसी मोदी के द्वारा पूर्व में भाषण देकर के ये कहा गया था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की रेट बहुत कम हो गई है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि आप दुर्भाग्यशाली हैं या सौभाग्यशाली है इस देश के लिए जो पेट्रोल और डीजल के भाव कभी आज तक इतने 107 और 110 पर नहीं पहुंचे जो आज पहुंच चुके हैं। इसी तरह से गैस सिलेंडर के भाव भी आए दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, 800-850 पे करीबन आज की तारीख में सिलेंडर के भाव पहुँच चुके हैं। इन्हीं नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा जाता था कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा, आज 7-7.5 साल निकलने के बाद अभी तक महंगाई को कम नहीं किया गया है। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए मजदूरों का वायदा किया गया था, आज मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि हर साल 2 करोड़ लोगों का इन्होंने रोजगार छीन लिया है। जितने भी संस्थान पूर्व में बनाए गए थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, उन सबको एक एक करके, चाहे वो LIC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जितने भी हैं, सब संस्थानों को इनके द्वारा धीरे धीरे बेचा जा रहा है।
एक तरफ इन्होंने कहा था कि मैं काला धन देश के लिए लाऊंगा, हर आदमी के लिए 15-15 लाख उसकी जेब में आएंगे। मैं आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि 7 साल के कार्यकाल गुजरने के बाद भी 1 रुपया काला धन लाए हैं आप? आप कहते थे मेरे पास लिस्ट है काले धन जिन जिन की भी स्विस बैंक में जमा है, आज नरेंद्र मोदी उसको क्यों नहीं बताना चाहते हैं? उसका कारण यह है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सब के स्विस बैंक में मैक्सिमम है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले स्विस बैंक में जितना पैसा जमा था उसका 2 गुना 3 गुना पैसा स्विस बैंक में और जमा हो गया है, तो ये काला धन कहाँ गया है? मैं नरेंद्र मोदी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। इसी तरह से इन्होंने कोरोना काल में ये कहा था कि हम फ्री वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, राज्य सरकार को अपने स्तर पर खरीदनी पड़ेगी। यही मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट का नरेंद्र मोदी के माथे पर डंडा पड़ा, तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे, क्योंकि 35,000 करोड़ का निर्मला सीतारमण है उसने कहा था कि हमने इसका बजट रखा है, तो उन्होंने कहा कि एक एक पाई का हम हिसाब दीजिए, वो हिसाब ये दे नहीं पाए। इस तरह से इन्होंने आए दिन जनता को लूटने का काम किया है। जीएसटी का जो भी है, जीएसटी भी आज की तारीख में जो राजस्थान गवर्नमेंट बाद मजदूरों की करें, मजदूरों की एवरेज आय 8 से 10 हज़ार रुपये है प्रतिमा, लेकिन 8 से 10 हज़ार रुपये से मजदूरों का काम नहीं चल रहा है, घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, बिजली का बिल ही इतना आ जाता है कि उसका 8,000 रुपये बिजली के बिल में चला जाता है और महंगाई इस प्रकार चरम पर है। तो इस बारे में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या आगे कुछ प्लानिंग है आपकी? अगर इस तरह की जो आज की तारीख में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल बढ़े जा रहे हैं, मजदूरों की जो है 8,000-10,000 रुपये में आज गुजारा नहीं होता है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन जो बढ़ गई है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये कमी पूर्ति उनकी नहीं कर सकती है, परिवार भूखे मरने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो हम आपको ये आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार के द्वारा शीघ्र महंगाई कम नहीं की गई तो अभी हमने केवल सांकेतिक धरने दिए हैं, हमको अगली बार रोड जाम भी करना पड़ेगा। जिस तरह से पूर्व में स्मृति ईरानी, अरुण जेटली ये सिलेंडर लेकर के रोड पे बैठ जाते थे 7 रुपये 10 रुपये बढ़ने पर कि साहब ये महंगाई बढ़ गई है, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ 850-900 रुपये का सिलेंडर हो गया, 107 रुपये का डीजल हो गया, तो कैसे इस महंगाई के ज़माने में मजदूर जीवित रह पाएगा? और अगर ये नहीं सुनी गई तो हम आपको पुनः इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस आंदोलन को उग्र रूप धारण किया जाएगा और पूरे देश के अंदर इतना मजबूर कर देंगे इस मोदी को कि इसको ऐसी सीट छोड़नी पड़ेगी और मजदूरों के हित इसको देने पड़ेंगे। इसी संबंध में मैं आपको और ये कहना चाहूँगा कि श्रमिकों के लिए इसने जो 48 कानून पहले थे उन सबको तोड़ मड़ोड़ करके 4 कानून बना दिए हैं जो कि श्रमिक हित में नहीं है। आज इन कानूनों का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो स्थिति यह है कि किसी भी मजदूर को परमानेंट रोजगार नहीं दिया जाएगा, उसको फिक्स टर्म पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और उसको कभी भी 2 दिन का 3 दिन का नोटिस दे करके नौकरी से निकाला जा सकता है। ट्रेड यूनियनों के अधिकार इनके द्वारा खत्म किए जा रहे हैं, जिसमें पहले यह था 100 से ज़्यादा मजदूर यदि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से उसको लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, आज इन्होंने उसको बढ़ा करके कर दिया, 300 मजदूर जहाँ हैं वहाँ आपको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और ये आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल में कितने लोगों की मजदूरी चली गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, जबकि इन्होंने स्वयं ने ये चीज़ कही थी कि कोरोना काल के अंदर किसी भी श्रमिक को वेतन नहीं काटा जाएगा और वो आदेश भी इनके द्वारा फैसला कर लिया गया, जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में ये आदेश दिया गया है कि कोरोना में कोविड-19 में जिन आदमियों को वेतन नहीं दिया गया उनका वेतन दिया जाएगा। धन्यवाद।